पाइप तक है लेकिन कोटा टीम है तो बाकी टीचर कहाँ बैठेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पदे प्राइमरी स्कूल पे, और मेरे जितने भी दर्शक है व्यूअर्स हैं मैं उसे बता दूं कि हमें इंडियन प्राइम न्यूज़ हमारी जो टीम है लपरादा क्षेत्र के हर गांव गांव पे जो स्कूल है और हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि ग्राउंड में आखिर प्रॉब्लम क्या है और स्कूल और हेल्थ सेक्टर किस कंडीशन में चल रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहे, मैं थोड़े आपको दिखाना चाहूँगा। ये है प्राइमरी स्कूल, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक दो तीन चार रूम बना है, लेकिन यहाँ पे आपका क्लास पाइप टेक है। चार में से एक जो है ऑफिस स्टाफ ऑफिस के लिए अपना ऑफिशियली उसको बना के रखा हुआ है। तो मैं आपको अंदर जाके बता दूँ, ये बड़ी अचरज की बात है हमारे अरुणाचल और हमारे देश के लिए। ये बड़ी अचरज बात है कि एक क्लास में यहाँ पे दो क्लास को बिठाया जा रहा है। आपको मैं बता दूँ, मेरे साथ सर मौजूद है। ये सर कौन सा क्लास? ये क्लास थ्री और ये क्लास टू। ये देखिए, आप देख सकता है यहाँ पे मेरा बाएं और क्लास थ्री है और मेरे दाहिने और क्लास टू है, टू के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप एक ही क्लास में दो बच्चों को, दो वो अलग अलग सेक्शन अलग अलग क्लास के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे राज्य सरकार के लिए कि आज के इस दौर में जहाँ शिक्षा को मान्यता देते हुए, शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सरकार हमारे जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिणाम ये है कि स्कूल का हालत आप देख लीजिए। स्कूल के टीचर इतनी मजबूर हो है कि यहाँ पे एक ही कक्षा का अंदर में दो क्लास को पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी दो दिया गया। सर, इसमें कैसा मुमकिन है आपका दो क्लास में हम लोग ये करते हैं, एक क्लास को होमवर्क देता है, एक क्लास वर्क देता है और एक क्लास को पढ़ाता है। एक क्लास को होमवर्क देके क्लास वर्क देके एक क्लास को हम लोग पढ़ाते हैं, फिर उसको फोड़ा के फिर उसके बाद क्लास वर्क को देखते हैं, फिर उसके बाद इसको होमवर्क देके उसमें पीरियड खत्म हो जाते हैं। कितना टीचर है आपके यहाँ पे? मेरा यहाँ पे तीन टीचर है, हम एक है दो मैडम है। तो देख लीजिए आप, ये प्राइमरी स्कूल है पादी के क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सिर्फ तीन टीचर है। तो आप मेरे साथ, ये इंचार्ज है, अगर इंचार्ज अगर कहीं चला जाए ऑफिशियली ड्यूटी पे अगर चला जाए तो दो टीचर पांच क्लास को कैसे संभव है पढ़ाने के लिए? बड़ी सबसे बड़ी आपकी क्वेश्चन है, ये चिंता की बात है। देखिए, आप स्कूल बना देते हैं, हमारे राज्य सरकार स्कूल बना देते हैं, तो वहाँ पे टीचर की पोस्टिंग क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा सवाल। और मैं DDC से भी मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे राज्य के जो मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर है उससे भी मैं ये सवाल उठाता हूँ कि आप स्कूल बना देते हैं, स्कूल बनाने के बाद आप टीचर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते? और उसका रिक्रूटमेंट करने के बाद आपके क्वार्टर यहाँ पे कितने बनाया है? क्वार्टर तीन है। आप देखिए, क्लास फाइव तक है लेकिन कोटा टीन है तो बाकी टीचर कहाँ बैठेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल। मैंने पहले भी सब सेंटर, हेल्थ सेंटर जितने भी है मैंने विजिट किया है, वहाँ पे स्टाफ के लिए कोई क्वार्टर प्रोविजन नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे ये राज्य सरकार के लिए। मैं और आपको मैं और दिखाऊंगा कि स्कूल का हालत कैसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, ये बच्चे जो बरंदा पे जब बेलकनी पे जो बैठा हुआ है, ये क्लास पाइप का बच्चा है। आप देख लीजिए, क्लास पाइप को मजबूरी क्लास ना होने के कारण इसे बाहर बैठा के पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकता है ये क्या परिस्थिति में, ये क्या सिचुएशन में हमारा जो स्टेट है। आप देख सकता है यहाँ पे बच्चों को बाहर पे क्लास बना के वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही दुख भरी बात है। बेटा, आप कितना क्लास में है? क्लास 5। आपका यह पढ़ाई ठीक होता है बेटा? ठीक होता है ना? तो ये बारिश जब आ जाता है, या में बारिश आता है, धूप रहता है, आपका या पेन नहीं है, आपको तकलीफ होता है? तकलीफ होता है। तो बारिश अंदर आता होगा या में? तो हाँ। तो इसमें बारिश आने से आप कहाँ बैठता है? अंदर जाते रहते हैं। देखिए, ये बच्चा का आप पुकार को, बच्चा का बात को सुन लीजिए, हमारे राज्य सरकार आप सुन लीजिए ये बच्चा का बात को, और मेरा DDC सर आप भी सुन लीजिए। देखिए, जब बरसात आ जाता है, जो बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए वो बच्चा क्या होता है, बरसात से अपने आप को बचाने के लिए बच्चे आगे की ओर वो भागते हुए उसे जाना पड़ता है। इतनी मजबूरी में बच्चा को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है,
तो लेकिन हमारे दीदी सी सर और हमारे जो हेल्थ हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आगे भी जाके मैं सवाल जरूर उठाऊंगा हमारे ये DDC और हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन से, मैं जरूर ये बात को मैं पूछूंगा और कहूंगा कि ऐसा क्या मजबूरी है कि बच्चों को आप बाहर में बैठ के पढ़ाया जा रहा है। स्कूल अगर आप बनाया है तो सही तरह का स्कूल, अगर आप नहीं बना सकता है तो स्कूल को बंद कर देना चाहिए। आप इस तरह का मजबूरी बच्चा को मजबूर में आप नहीं रख सकते। और मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ, ये है ये आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आप यही हालत है। यहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल क्लास के बच्चे हैं और यहाँ पे क्लास वन के बच्चे, आप देख लीजिए। यहाँ पे टीचर इतनी मजबूरी है कि एक क्लासरूम के अंदर में दो क्लास को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और टीचर की इतनी कमी है, यहाँ पे टीचर का प्रोविजन ही नहीं किया गया। आप देख लीजिए 5 क्लास है लेकिन 3 आप टीचर दिया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द एक सोल्यूशन लाया जाए और इसका एक इसे सोल्यूशन लाया जाए और इसे जो आपका डेवलप करना है उसे जल्द से जल्द के अपग्रेडेशन करना हो या जो भी करना हो जल्द से जल्द स्टेप ले। हमारे पास मौजूद है प्रदीप प्राइमरी स्कूल के मिड डे मील के इंचार्ज। तो मैडम आप मिड डे मील किस प्रकार बनाता है यहाँ पे? सर मिड डे मील वीक में 3 times या 2 times ना इसे खिलाते हैं। तो आपका यहाँ में स्टोर आप कहाँ पे? स्टोर सर अभी यहाँ का खराब हो गया इसलिए हम अपना घर में सेफ्टी को रखा है। और ये किचन? किचन इधर सामने में बना रहा है यहाँ में ना। हाँ। ये सामने में तो क्योंकि हम अभी यहाँ पे आपका स्कूल पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे कोई किचन दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। सर किचन टूट गया और खिचड़ी बनाने वाला इधर सर सामने में है। अच्छा, एक तो औरत बनाते हैं। तो मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि उसे खिचड़ी किस प्रकार का मिलता है, उसको सही टेस्टी मिलता है ना? नहीं। तो मेरे साथ अब बच्चे हैं, मैं एक बेटी से, मेरे पास एक प्यारी से बच्ची है, मैं इस प्यारी से बच्ची से पूछता हूँ, आप खिचड़ी मिलता है यहाँ पे? खिचड़ी कैसा होता है खाने में? टेस्टी होता है। खिचड़ी में क्या क्या मिलता है आपको? आलू, आलू और मैगी भी देता है बोला, चना भी मिलता है, मिला था आपको? हाँ। और ये मैं बता दूँ, ये टेस्टी से मिलता है ना यहाँ पे? हाँ। कितना बार मिलता है हफ्ता में? 7 days में कितना बार मिलता है? शायद मैं ज़्यादा ही छोटी बच्ची से सवाल कर लिया इसलिए ये शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोग को 2 बार मिलता है बोला है ना, आगे हम भैया से बात किया था ना। ये लोगों को हफ्ता में 2 या 3 बार दिया जाता है, यानी कि बच्चे भी काफ़ी खुश है, खिचड़ी जो पका के इससे खिलाते हैं काफ़ी खुश है बच्चे भी। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह जितने भी प्राइमरी स्कूल के जो टीचर है अपनी बच्ची की तरह, अपने बच्चों की तरह उसे प्यार से जो खिलाते हैं इसी तरह वो खिलाए। तो मेरे साथ प्राइमरी स्कूल के SMC मेंबर और यहाँ के GPC हमारे साथ मौजूद है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ सर, यहाँ पे जो देखा है कि लाइट का प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पे तकलीफ़ है लाइट का सर, ऐसा क्यों सर? सर लाइट के लिए तो सर हम उस दिन भी दीदी सी सर का इधर गया था तो ढूंढा है तो कुछ तो बंद आया है, आने में वो रिलीज हुआ तो हम सर जैसे भी कनेक्ट कर देंगे। तो सर इससे पहले भी बच्चा क्या ऐसे ही बाहर में बैठ के पढ़ता था सर? जी सर, क्लास है ही नहीं है, हम लोग जाके सर स्कूल इंचार्ज हम दोनों मिल के भी DDC से भी बहुत डिस्कस किया था तो होता ही नहीं, तो इसलिए पूरा कुछ अभी भी मेंटेनेंस चल रहा है, बाद में आप लोग पूरा देख दीजिए। इससे कभी आप लोग मैंने इससे पहले जो आपके जो SMC शायद काफ़ी सालों से चलता आ रहा है बच्चा का इस तरह का तकलीफ दायक उन लोग जो सिचुएशन है अभी फेस कर रहा है, एक क्लास में दो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है दो सेक्शन के, तो पहले से हो रहा है, तो आप लोग पहले कभी आवाज़ नहीं होता है इसके लिए? पहले तो सर हम तो बस जस्ट आया हुआ 2 साल हो रहे हैं ना। नहीं ऐसे यहाँ का आप ग्रामीण जो निवासी है यहाँ का लोकल होने के नाते आपको कोई पद का ज़रूरत नहीं होता, जब आप खुद अगर सोचता है यस मैं कुछ करना चाहता हूँ तो आपका बिना कुछ पद का भी आप कर सकते हैं। तो आप लोग पहले गांव वाला कभी ये आवाज़ नहीं होता है सर? आवाज़ होता नहीं तो हम लोग का समय में तो हम जितना सर यहाँ में बगन सगन कटना होता है ना, घास कटना होता है, वो बस्ती वाला को हम बुला के जस्ट उस दिन भी 15-13 अगस्त को हम बगन कटवाया है, डेरा सेरा भी पूरा रिपेयरिंग किया है। तो अभी आप लोग SMC मेंबर जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है या फिर रिपेयरिंग वगैरह कर रहा है, अभी आपका इलेक्ट्रिशियन भी शायद DDC से कुछ बन अगर रिलीज हो जाता है तो आप ज़रूर इलेक्ट्रिफिकेशन को भी रिनोवेशन कर देंगे।
तो यहाँ पे बाउंड्री इशू कैसे है आपका? सर बाउंड्री इशू तो ठीक है, देखिए सब क्लियर मैप बना के रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि SMC मेंबर और यहाँ के जो GPC है काफ़ी अलर्ट है और वो अच्छे काम करने के लिए शायद आगे और जो भरना चाहता है और भी चाहते हैं कि इस तरह का अच्छे अच्छे काम उसके जो टेन्यूर में आप करें। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह हर कोई सोचे, अपने स्कूल के लिए सोचे, अपने आंगन के लिए सोचे, अपने गांव के लिए सोचे, तभी देश बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे।